बिंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल का स्किनर बनाया और उसी के थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ। तो कल के लिए मतलब 19 दिसंबर 2019 के लिए मैंने स्टॉक्स चुना है स्किनिंग करके। तो मेरा ये जो फाइल है तो उसका व्यू दूंगा और निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिखाऊंगा और कमोडिटी का लेवल देखूंगा और कुछ फ्यूचर्स का लेवल देखूंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर देता हूँ वो आप लोग को मिल जाएगा। ये बाय सेल लेवल्स मिल जाएगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है और बहुत सारा चीज़ सीखने का है जो आप लोग को मार्केट से प्रॉफिट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैंने ब्रीफली एक ब्रीफ देता हूँ, आप लोग बहुत लोग जानता है, जो लोग ना देखता है उन लोग को बोलना पड़ता है कि इसमें मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर और बाय सेल लेवल 3 दो फाइल बनाता हूँ। इसमें ये जो फाइल है मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में भी। तो इसमें आप लोग को ये आप लोग स्क्रीनिंग करेंगे और इसका लेवल यूज़ करेंगे तो आप लोग को 90% एक्यूर के साथ प्रॉफिट जरूर होगा। तो इसमें आप लोग को इसमें बाय सेल लेवल कम स्किनर में आप लोग को बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 मिलता है। तो आप लोग कोई भी यूज़ कर सकता है। और ये जो फर्स्ट शीट है बाय सेल लेवल कम स्किनर में, ये जो फर्स्ट शीट है इसमें बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीन कर ले सकता है। मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियो आप लोग देख सकता है और मैंने भी कुछ ये जो ईमेल का क्रॉस ओवर है, BWAP है, बोलिंजर बैंड है, प्राइस चैनल है, इसमें को क्लाउड है, ये सब चीज़ देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे इसको अच्छी तरह से स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद उसका बाय सेल लेवल देखेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें है बाय सेल लेवल 1 और बाय सेल लेवल कम स्किनर में, ये फर्स्ट सीड है। इसमें है बाय सेल लेवल 3, ये बाय सेल लेवल 3 को मैंने अलग से बनाया है, अप ट्रेंड में बाय सेल लेवल रखा है। जो अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल से बेस्ट रहेगा, जो अप ट्रेंड नीचे रिट्रेस को रखा गया कौन सा लेवल से बेस्ट रहेगा, डाउन ट्रेंड जब रिट्रेस होकर ऊपर जाएगा कौन सा लेवल से बेस्ट रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब नीचे और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल से बेस्ट रहेगा, और कौन सा लेवल पर कौन सा स्टॉक्स है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। और इधर से आप लोग फिल्टर भी कर सकता है। इधर 530 का EMA क्रॉस ओवर लगा हुआ है और इसका एंड में 955 100 EMA, इसका सब इसका क्रॉस ओवर सब देख के रखा है। ये आप लोग हेडिंग देख के ये आप लोग को पता चल जाएगा कि ये सब देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर लेंगे। उसके बाद ये इसका बाय सेल लेवल देखेंगे, आप लोग एक बार अप ट्रेंड में देख लेंगे तो अप ट्रेंड में स्क्रीनिंग करके निकल लेंगे तो अप ट्रेंड का ऑनली बाय सेल लेवल देखेंगे, डाउन ट्रेंड का मत देखेंगे और उल्टा है डाउन ट्रेंड का। जो डाउन ट्रेंड निकलेंगे आप लोग स्क्रीन करके तो डाउन ट्रेंड का बाय सेल लेवल देखेंगे। ये बाय सेल लेवल 3 यूज़ करने का ये तरीका है। और इसमें आर्बिट्रेज का बेसिस पॉइंट रहता है और कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग का कितना कौन सा कितना रिलेशनशिप है, क्या कितना परसेंटेज रिलेशनशिप है वो भी इधर दिखा देता है। और बाय सेल लेवल 3 मैंने अलग से बनाया हूँ, इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें 534 का EMA क्रॉस ओवर है जो देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और इधर प्रीवियस क्लोज का हिसाब से करेंट हाई लो क्लोज का क्या पोजीशन है उसको देख के भी आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज जो मैंने स्क्रीनिंग करके निकाला हूँ वो आप लोग को दिखाता हूँ। इसका बाय सेल लेवल 1 जो है, इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा। टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहता है और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। सेल का भी ऐसा है, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। इसमें कोई गैप अप का मैंने आप लोग का मेरा जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखता हूँ, मैंने ये जो फाइल शेयर करता हूँ उसका रोज फाइल बाय सेल परफॉर्मेंस मैंने दिखाता हूँ तो आप लोग को पता चल जाएगा ये लाइव मार्केट में इसको कैसे ट्रेड करना है। सोच लीजिए इधर 1607 के ऊपर ओपन हुआ तो सोच लीजिए 1608 1609 तो आप लोग उधर आप लोग को एंट्री लेना है 1613 फर्स्ट एंट्री के लिए।
लेकिन 1613 के आसपास जब ओपन होगा तो 1612 या 1613, तो 1613 क्रॉस करने के बाद ही आप लोग को 1617 का टारगेट में पर में भी ये है वाई से लेवल 2, ये भी अच्छी तरह से काम करता है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये दिखाऊंगा वाई से लेवल 3 ये है वाई से लेवल 3, इसका R1 बाई का एंट्री पॉइंट है, सेल S1 सेल का एंट्री है। सभी साइड में आप लोग को जो गैप अप और गैप डाउन मैंने बोला है वो आप लोग को कंसीडर कर लेना है। और ये आप लोग का एंड ऑफ द डे फाइल ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करता है। और लाइव मार्केट में भी आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। और मेरा डाउनलोड करने का ये भी सैम्पल किट डाउनलोड करने का भी लिंक ये यूट्यूब का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखिए वाई से लेवल 1, इसके बाद ये वाई से लेवल 2, उसके बाद ये वाई से लेवल 3, और ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट। कमोडिटी का दिखाता हूँ, से लेवल 1 से लेवल 2 आप लोग पास करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम मेरा लिमिटेड है रिकॉर्डर का। और यह है वाई से लेवल 3 और यह है पिवट पॉइंट। आप लोग आज का हिसाब से आप लोग जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो आपका हिसाब से जो लोग मेरा पेशेवर ग्रुप में है वो भी देख ले सकते हैं। आज के में ये जो कमोडिटीज है कल के हिसाब से आज जो मार्केट में मूवमेंट हुआ वो कल का जो प्राइस लेवल था उसका हिसाब से कैसे प्रॉफिट दिया या नहीं दिया, हो सकता है तो पॉसिबल होगा तो एक बार आप लोग को दिखाने भी देता हूँ, दिखाने का कोशिश करता हूँ। कमोडिटी का और भी कुछ बाकी रह गया या सभी कवर हो गया कुछ देख लीजिए। इधर फ्यूचर्स, ये फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स का कुछ लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग इसको यूज करके बहुत ही बढ़िया तरीका के से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं। उसके बाद बाइनेंस एंड लेवल देखेंगे तो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट जरूर आएगा। अब देखते हैं आज का जो फाइल मैंने डाउनलोड करके मैंने बाइनेंस लेवल परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन कमोडिटी का दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि कमोडिटी आप लोग जानते हैं बहुत ही देर में होता है। जिस टाइम मैंने परफॉर्मेंस वाला वीडियो बनाता हूँ उस टाइम कमोडिटी बनाने से कमोडिटी का लेवल दिखाने से ऐसा खास कुछ फ़ायदा नहीं होता है। 4317 में ओपन हुआ था तो मतलब 439 के ऊपर 4317 के ऊपर 4223 4323 के ऊपर 317 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। वो पहले देखना पड़ा नीचे लेवल आया था इसका एक ठीक आया था पैता 427 ट्रेक कर सकता है उसके हिसाब से ये चाहे। 37 गोल्ड का बाई लेवल था और 37903 इसका सेल का एंट्री लेवल था। तो देखते हैं गोल्ड कैसे बिहेव किया। गोल्ड 37959 में ओपन होने के बाद देखते हैं गया ये था नीचे गया था। ये चीज़ आप लोग को दिखाना है समझाना है उसके बाद आप लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने दिया था एंट्री लेवल था सॉरी फाइल नहीं ये फाइल 939 के ऊपर ओपन हुआ था। 935 ओपन होने के बाद इसका ओपन होने के बाद ये 98995 तक ये गया था ऊपर 995 तक ये ऊपर गया था। उसके बाद आप लोग जब सेल का एंट्री लेवल पकड़े तो आप लोग को